सत श्रीकाल दोस्तों, मैं प्रभजोत एक बार फिर तो हाजिर हो गया जी थोड़ा अपना शो लैके, जिसका नाम है जी सैर पंजाब जी। तो अज आप आए हुए हैं जी सैर करने के लिए पंजाब के सिफ्टी के घर, जिसका नाम है जी श्री अमृतसर साहब। तो इस वक्त मैं जिथे खड़ी हाँ जी वह है जी शहीद बाबा नौ सिंह जी की समान। मैं तुम्हें दस दें जी बाबा नौ सिंह जी बाबा दीप सिंह जी के मीर जथेदार सन। इस स्थान के उत्ते युद्ध करते हुए जी आप जी शहीदी प्राप्त हुए सन। तो इस स्थान उन्होंने यादगार के स्थापित है। मैं दोस्तों लोगों का विश्वास मनिया गया है जी श्री तरन तारण साहब तो या श्री अमृतसर साहब जाना है या फिर अमृतसर तो तरन तारण वाल जाना है तो इस स्थान के उत्ते नतमस्तक होकर जरूर जाना है। तो अज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करना है जी इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होकर बाबा जी का आशीर्वाद लैके। तो फिर मैं तुम्हें करावगी जी पूरे अमृतसर शहर की सैर मेरे न आ जाओ, फिर चल के मत्था टेक लें। जी तुम अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हो जी हेयर ब्यूटी मेकअप एंड नेल आर्ट वर्गे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अमृतसर शहर के ऑरेन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस लेके आया है जी तुहाडे लई गोल्डन अपॉर्चुनिटी। भाई इत्थे ट्रेनिंग दित्तियां जांदियां ने जी इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल कोर्सेज के लाइक हेयर ब्यूटी मेकअप एंड नेल आर्ट। चल के करते हैं सैर फिर इस ऑरेन इंस्टीट्यूट की, नाले देखते हैं जी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए स्टूडेंट्स। कम विद मी। चुकी हूँ जी और इन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर मैं तुम्हें दस दें जी ये जो स्मार्ट जहाँ बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है ना, इसका नाम है जी पवन अगस्त्या। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ और इन इंस्टीट्यूट। ਹੋਰ ਪਵਨ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ ਔਰੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਸੈਰ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਚਲੀਏ ਚਲੋ। अमृतसर शहर के विच जी तुहाडे इंस्टीट्यूट का काफ़ी मैं नाम सुनया है, बहुत फेमस है जी, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए तुसी की कर रहे हो थे? मैम देखो जो साढ़े को स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली साढ़े को बच्चे आते हैं जो बहुत विलिंग है इस प्रोफेशन वास्ते, तो उन्होंने इंटरस्ट में मतलब जानते हुए उन्होंने आप प्रमोट बहुत तरह करने हैं, जिदा उन्होंने जॉब चाहिए होंगे है अकॉर्डिंग टू आर सिस्टम। असं की करने जो उन्होंने एडमिशन होंगी है ना ही उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जॉब एप्लीकेशन फॉर्म असं साइन करवा लें, बट उस तो पहले असं उन्होंने प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग उन्होंने पहचानन।
ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅਸ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਲਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਵਾਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ USI ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੂਮਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਕਅਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਡਲਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਅਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ ਪਵਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਔਰੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਨਵਿਤਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹੈਵ ਯੂ ਮੈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰੇਨ ਕੋ ਖੁੱਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਔਰੇਨ ਖੁੱਲਾ ਤੋ ਇਸਕੇ 3 ਸੈਂਟਰਸ ਥੇ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਕੇ 10 ਔਰ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਔਰੇਨ ਕੇ 22 ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਔਰੇਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਗਰੋ ਕੀਆ ਹੈ ਇਨ 5 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਤੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੋ ਚੀਜ਼ੇ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜਲੀ ਲੋਕ ਦੋਨੋ ਚੀਜ਼ੋ ਕਾ ਅੱਛਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕੇ ਦਮ ਪੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੋ ਔਰੇਨ ਇਨ ਦੋਨੋ ਚੀਜ਼ੋ ਕਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਿਡੈਸਕੋ ਸਿਪਚੇਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੇ ਸਿਡੈਸਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਉਨਕੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੇਂ ਲੇ ਲੀਜੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪ ਉਨਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਲੇ ਲੀਜੀਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਕਿਨ ਹੇਅਰ ਨੀਲ ਆਰਟ ਨੀਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਊਟੀ ਸਲਿਮਿੰਗ ਸਭ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ अभी रिसेंटली एक बेस्ट ब्यूटी अकेडमी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है यहाँ पे सोहाली खान ने खुद ये अवार्ड दिया है और एक मलेशिया में अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग बिजनेस का आउटस्टैंडिंग बिजनेस मतलब कि एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस ओरेन ने किया है तो ये मोनिका मैम दोनों अवार्ड्स लेकर आए हैं थैंक यू सो मच नमिता सो दोस्तों ASAG ओरेन इंस्टीट्यूट द डायरेक्टर मिसिज नमिता जी जिन्हें नाल कीती आपां गलबात ते हुण आपां जाणा है जी अमृतसर शहर ते सैर करदे करदे अगले प्लेस ते ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਲੀਰਾਮ ਜਵੈਲਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿਊਜ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਜੀ ਮਾਲੀਰਾਮ ਜਵੈਲਰੀ ਹਾਊਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਲੀਗਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੈਕਲੈਸਿਸ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਯੈਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ बहुत प्यारे सैट देखने को मिले जी गोल्ड के बट इस तो इलावा जी डायमंड की इतने वरायटी भी बहुत ही खासी है जी बहुत शानदार वरायटी है जी डायमंड की चल के वो भी देख लेने फिर चलिए जी फिर दोस्तों जरा डायमंड नेकलेसेस के वाल नजर पाओ पसंद आए ना फिर इतने डिजाइन है नेकलेसेस आई होप जी इतनी ज्वेलरी तुम्हें काफ़ी पसंद भी आई होगी तो मैं भी यही जरा एक सैट डायमंड सैट है जी ये पसंद आया तो मैं ही खरीद लिया जी प्लीज़ इन पैक कर दो थैंक यू हाँ जी बहुत अच्छी लग रही है ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੇਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ सो फ्रेंड्स द वेट इज ओवर तो मैं हूँ थोड़ी रूबरू कराने जा रही हूँ जी माली राज ज्वेलरी हाउस ओनर मिस्टर विजय कपूर जी के नाल हैलो सर हाउ आर यू सो सब तो पहले सर दसो जी अमृतसर शहर के ज्वेलरी हाउस ने ओपन हुए कितना चिर हो चुका है पहलों सा दुकान जी सी उत्ते हुंदी सी गुरु बाजार 2006 दे विच सिविल लाइन चल रही थी माल रोड ते ओके मतलब काफ़ी समा हो गया है जी काफ़ी हरमन प्यारा भी है जी लोगों का की खास गल है साड़ी ज्वेलरी विच है गया कि असी बॉम्बे तो कलकत्ता तो दिल्लियों सब जगह तो असं डिजाइन कलैक्ट करने बाजार को साढ़े को डिफरेंट वरायटी मिलेगी बाकी मतलब साढ़े जी भी इंटीक ज्वेलरी है साड़ी जी डिजाइनिंग है वो बाजार को अलग हट गए तो बहुत वधिया जिन्ना भी डायमंड है साढ़े इतने डायमंड ज्वेलरी जिनी भी है वो साड़ी सर्टिफाइड है नंबर दो जिन्ना भी समान है हॉलमार्क है गोल्ड ज्वेलरी जिनी वो हॉलमार्क है इस तो इलावा जी मतलब जो सर्विस की गल की जाए तो फैसिलिटीज इतने प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर्स साढ़े इतने है कोई भी चीज़ जिस तरह गाहक की कोई चीज़ मतलब टुट जाती है या कुछ भी हो जाता है या कि धागा टुट जाता है तो असी डिपार्टमेंट ही अलग रखे है तो गाहक पूरी उन्होंने दे दी है आफ्टर सेल सर सानू मतलब ये देखने के आ रहा है कि अजकल जो लेडीज़ ने काफ़ी मतलब प्रेफर कर दिया ने जी ज्वेलरी और अलग अलग डिजाइन उन्होंने लिए कलैक्ट करते करने पैदा ने तो इस बारे की कहना चाहोगे ज्वेलरी का मतलब ही डिजाइनिंग ही है कि जे अलग होना चाहिए तो सो असी डिजाइनिंग जी सब जितने भी वीडियो तो वो मिलती है वो असं लैके आने ओके पर यू थिंक कि मतलब पुराने समय के हूँ के समय के जो आप डिजाइनिंग की गल करिए अंतर आया जी बहुत ज़्यादा अंतर आ चुके हैं पहलों असं कोई भी चीज़ बनाते थे तो अभी कहने ए सेम छे छः चीज़ा बना दो हूँ तो असं कहने दो भी ना बना क्योंकि कस्टमर को डिजाइनिंग चाहिए है थैंक यू सो मच विजय सर सो दोस्तों ये से जी मालीराम ज्वेलरी हाउस है ना मिस्टर विजय कपूर जी जिन्हें की आप गलबात आई होप तो इतने की ज्वेलरी काफ़ी खूबसूरत लगी होएगी तो इतने तुम शॉपिंग करन भी जरूर आओगे तो इस दिन ही हूँ आप जाना है जी अमृतसर शहर की सैर करते करते अगली प्लेस से कोई भी ओकेजन हो चाहे मैरिज पार्टी हो चाहे बर्थडे पार्टी हो सैलीब्रेशन करने के लिए मिठाइयाँ बहुत जरूरी है इसलिए मैं आ गई हाँ जी अमृतसर शहर की सैर करते जी अमृतसर की बेस्ट स्वीट शॉप के बाहर जिसका नाम है जी न्यू मुनीम की हट्टी भाई इतने देसी गे मिठाइयाँ मिलदियां ने चल के स्वाद चखते हैं जरा इस मिठाइया का आ जाओ फिर मेरे नाल
सामने पेश कर दिता है जी न्यू मुनीम की हट्टी वाले ने जी एक खूबसूरत जायका आई मीन टेस्टी जायका देखने में बहुत लाजवाब लग रहा है जी आई थिंक खाने में भी उन्ना ही मतलब स्वादिष्ट होएगा ना मैं तुम दस दिनी हाँ जी इस मिठाई का नाम है जी अमरती एंड दिस इज चंद्रकला कहते राणिया वर्गे नाम रखे हुए हैं ना इन्होंने और मिल्क केक भी आया है जी मेरे सामने मोती चूर का लड्डू है जी बेसन की बर्फी है जी एंड दिस इज चमचम तो इस अलावा जी इस हट्टी की जी स्पेशलिटी है जी वो है जी रस मलाई बहुत ही टेस्टी होंगी है जी इतनी रस मलाई तो टेस्ट करते हैं फिर यम्मी बहुत ही टेस्टी है यार अल्टीमेट बहुत ही स्वादिष्ट है जी प्योर देसी घ्यो जी ये मतलब स्वाद आ रहा है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है मिठाइया का जब तक मैं सारिया मिठाइया टेस्ट करती हाँ तुम लो एक छोटा जहा ब्रेक मिलते हैं जी ब्रेक तो बाद सेहत है तो जिंदगी है और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए पुखराज फिर एंड फाइन हो मैं दोस्तों अमृतसर शहर की सैर करते करते मैं आ पहुंची हाँ जी हरगुण हॉस्पिटल मैं सुनिया जी अमृतसर शहर का यह बेस्ट हॉस्पिटल है जिथे कि पेशेंट्स नू जी बड़ी फैमिली की तरह जी ट्रीट किया जाता है तो नाल दी नाल उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर भी की जाती है बहुत सारिया फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाने इतने पेशेंट्स नू चल के करते हैं फिर सैर हरगुण हॉस्पिटल की मेरे नाल दोस्तों ये है जी हरगुण हॉस्पिटल का जी एमरजेंसी वार्ड मैं तुम दस दें जी फुली एसी वार्ड बनाया गया है जी स्पेशली पेशेंट्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यह है जी हरगुण हॉस्पिटल का जी ICU वार्ड जिथे कि आफ्टर सर्जरी आफ्टर ऑपरेशन जी पेशेंट जी ऑब्जर्वेशन के लिए इतने रखा जाता है बड़ी ही आरामदायक स्थिति के ये है जी हरगुण हॉस्पिटल के जी VIP रूम्स इन रूम्स में खासियत यह है जी पेशेंट को जो ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिलती है जी इस इन रूम के
हाँ जी भी दोस्त, कितना नहीं लगी फिर हरगुण हॉस्पिटल सैन मेरी ना। आई होप तो इतनी फैसिलिटीज काफ़ी पसंद आई होंगी। इस दिन आप चलते हैं जी उन शहर की सैर कर देगा थे अगले प्लानी होते आ जाओ फिर। शहर जी ट्रिलियम मॉल की सैर करते करते मैं हम पहुँच चुकी हाँ जी फिफ्थ फ्लोर के उत्ते है जी बबल्स ऑरगेनिक बार जिथे कि जी बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रिंक्स मिलती हैं जी जूसिज़ है जी इतने अवेलेबल तो चल के फिर देखते हैं जी मतलब इतने होर की है तो नाले आप करते हैं जी इस बबल्स ऑरगेनिक बार की सैर मेरे नाल कम विद मी एक्सक्यूज मी बहुत मज़ा आया जी इतने ट्रिलियम मॉल के घूम के हूँ मैं बैठी हुई हाँ जी बबल्स ऑरगेनिक बार के सामने जी मैं ऑर्डर किए हैं जी मतलब काफ़ी सारे ड्रिंक्स इतने बहुत सारी अच्छी वरायटी के ड्रिंक्स मिलते हैं जी तो ताइयों मैं इतने आई सी मेरी प्यास भी लगी हुई थी ऑब्वियसली और ट्रिलियम मॉल जो बनया हुआ ना बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है जी घूमन फिरन बहुत वधिया है जी तो नाल इतने ऑसम व्यू देखने को भी मिल रहा है। यकीन नहीं आता ना इतने आन के देखो यार ट्रिलियम मॉल के भाई इतने मैंने कुछ कस्टमर नजर आ रहे हैं चल के उन्होंने गलबात करते हैं। हेलो गर्ल्स हाउ आर यू व्हाट्स योर नेम मानवी ओके मानवी हेलो हेलो व्हाट्स योर नेम कीरत भाई मानवी एंड कीरत साढ़े नाल ने जी उन्होंने पूछते हैं जी बबल्स ऑरगेनिक बार के ड्रिंक्स इन्हों के कितने लगते हैं। हैलो मानवी भाई मानवी सानू दसोंगे जी बबल्स ऑरगेनिक बार के ड्रिंक्स तुहानू कितने दे लगते हैं। इट्स एक्चुअली गुड बहुत वधिया आ इतों के शेक्स मिल्क शेक्स आर गुड स्ट्रॉबेरी शेक और वैसे ट्रिलियम मॉल के तुम अक्सर आने ही रहने हो। हाँ जी रेगुलर students okay. being students you know matlab bunk maar ke the aune ho haan ji okay thank you so much for being us tan tan la ji main order kite si ji mixed fruit juice and my favorite chocolate shake it's yum जान बहती है जी चॉकलेट शेक पी के यमी इट वाज जी बहुत ही बढ़िया जी बहुत ही टेस्टी अल्टीमेट टेस्ट के नाल भरया हुआ जी चॉकलेट शेक जो मैं पीता बबल्स ऑरगैनिक बार के उत्ते जी जरूर आओ ट्रिलियम मॉल के विच ते बबल्स ऑरगैनिक बार जरूर होके जाओ ते इस दिन ही मैं अभी एपीसोड की समाप्ति करनी हुई जी थोड़े तो लैनी है जी विदा से वादा करती हूँ जी अगले हफ्ते फिर मिलेंगी एक नवें खूबसूरत शहर की सैर लैके तद तक दिल्ली तुम देखते रहो जी सैर पंजाबी ते हुण तुसीं अपने फेवरेट शो सैर पंजाबी दे सारे ही एपीसोड्स ऑनलाइन भी देख सकते हो फिर फटाफट कॉपी पेन चुको ते सारी वैबसाइट नोट कर लो www.sairpanjabi.com मैं हुण जरा जूस पीना